सो गाइज, मैं पिछले 2 महीने से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अपने घर में यूज कर रहा हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू, इसके प्रोज एंड इसके कॉन्स सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसके राउटर के बारे में बात करेंगे, इसकी ऐप के बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो है इसकी इंस्टॉलेशन एंड इसके प्लान्स। वो मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया, अगर आपको वो जानने हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो, आई बटन में आ रही होगी और मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, वहां से अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टॉलेशन एंड प्लान्स की। इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सको और हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिव्यू की। अगर एज सच आप मुझसे पूछो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया रहा। मेरा एक भी बार नेट नहीं गया इन 2 महीनों में। मुझे मैसेज आते थे कि आपको इंटरप्शन हो सकती है, हम कुछ सर्विस में काम कर रहे हैं, बट उस दौरान भी मेरा इंटरनेट नहीं गया। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं गया। अब हो सकता है कि जब मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तब कुछ 5-10 मिनट के लिए गया हो, सपोज़ आधी रात को गया हो या अर्ली मॉर्निंग के टाइम गया हो, बट मुझे ये चीज़ें नोटिस नहीं हुई। तो मेरे लिए इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो काफ़ी तगड़ा रहा। सो ये तो क्लियर है कि मुझे नेटवर्क में कोई इशू नहीं आया। अब अगर मुझे नेटवर्क में कोई इशू नहीं आया तो मैं कस्टमर सर्विस को भी यूज़ नहीं कर पाया। अगर कोई मुझे दिक्कत आती तो मैंने कॉल करता, अगर वो नहीं आता तो मैं बोलता बेकार है, अगर आ जाता तो मैं बोलता सही है। अगर दिक्कत ही नहीं आई तो कोई मुझे कंप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो एज सच मुझे कस्टमर सर्विस से भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे हम कस्टमर सर्विस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एयरटेल का 2 बार कॉल आया, वो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल था। उसमें पूछ रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो 1 दबाओ, दिक्कत है तो 2 दबाओ, हमारा जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको कॉल करेगा। मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, बिना कंप्लेन करे इन्होंने लगातार 2 दिन कॉल किया। मैं दूसरे दिन थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, मुझे लगा अगर तीसरे दिन भी कॉल करते हैं तो मैं कॉल करके बोलूँगा कि प्लीज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इरिटेट ना करो, बट ऐसी नौबत नहीं आई। उन्होंने बस 2 बार कॉल किया ये पूछने के लिए कि मेरा कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज, अगर मैं इसका पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू समराइज करूँ तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है मेरे पास बताने को कि मैं बोलूँ यार ये इतना बेकार हो गया, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट मुझे इन्होंने दिया, जिस चीज़ के लिए मैंने एयरटेल लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला था कि एयरटेल की सर्विस काफ़ी अच्छी है। मुझे भी यही फील हुआ कि एक बार भी इंटरनेट नहीं गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी सेम आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो ये सर्विसेज होती हैं नेटवर्क्स की, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अगर मेरे एरिया में एयरटेल अच्छा है तो क्या पता आपके एरिया में बेकार हो, आपके एरिया में जियो अच्छा हो। तो अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो मेरा रिव्यू देखने के बाद एक बार आसपास भी पता कर लेना जिनके पास एयरटेल है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। इन द एंड आपके लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लोकल एरिया में एयरटेल कैसा है। सो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। अब जब मैंने एयरटेल लगवाया था तब मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि एयरटेल जितनी स्पीड बोलता है उससे ज़्यादा ही देता है। मान लो 40 Mbps का कनेक्शन है, आपको 50 के अराउंड स्पीड देखने को मिलेगी। यस, जितना एयरटेल बोलता है उससे ज़्यादा ही स्पीड देखने को मिलती है। मुझे 40 Mbps के कनेक्शन में 90 अबव स्पीड देखने को मिली। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे मुझे ओखला ऐप में 90 Mbps की स्पीड देखने को मिली अपने 40 Mbps के कनेक्शन में। बाकी अगर मैं रियल स्पीड की बात करूँ इसकी, तो रियल स्पीड मुझे 40 Mbps के कनेक्शन में 50 Mbps ही देखने को मिली। लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, काफ़ी स्टेबल स्पीड देखने को मिली। एंड अगर मैं पिंग की बात करूँ तो पिंग मोस्टली 20 ms की रहती है, बट कभी कभी 60 ms, 80 ms, 100 ms तक पहुंच जाती है। तो उसमें मुझे गेमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई, बट मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया जो पिंग है वो 20 ms की ही रहती है, जो कि काफ़ी आइडल रहती है आपकी गेमिंग के लिए। तो गाइज, अब इसके राउटर की बात कर लेते हैं। मुझे इन्होंने दिया ZTE का राउटर है, ये एयरटेल एक्सट्रीम का राउटर, बट जो कंपनी से मैन्युफैक्चर कर रही है वो ZTE है। आपको हो सकता है कि ये नोकिया का भी प्रोवाइड करे। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो राउटर है हमारा, हम कौन सा वाला राउटर लें, नोकिया का लें कि ZTE का लें। मोस्टली आपको एयरटेल ऑप्शन नहीं देगा राउटर चूज़ करने का, जो भी आपके एरिया में बल्क में राउटर आए होंगे वही आपको मिलेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं मुझे नोकिया का चाहिए, ZTE का चाहिए। आपको मेन मतलब होना चाहिए कि आपको सर्विस कैसे मिल रही है। अगर आपका राउटर आपको जितनी स्पीड एयरटेल ने बोली है, 40 Mbps कनेक्शन में 40 Mbps मिल रही है, पिंग 20 ms मिल रही है, तो राउटर वो कोई सा भी लगाएं आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज आप बोलते हो कि नहीं ZTE का राउटर ख़राब हो जाता है जल्दी, नोकिया का बेस्ट रहता है मेरे लिए, तो अगर ख़राब हो भी जाता है तो आप एयरटेल को कंप्लेन करोगे, एयरटेल आपके लिए फ्री में रिप्लेस कर देगा आपका राउटर, तो आपको क्या टेंशन। मैंने देखा बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कौन सा राउटर लें, एयरटेल हमें ये वाला दे रहा है, नहीं मुझे ये वाला चाहिए। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एयरटेल आपको राउटर दे रहा है वो लो। अगर वो ख़राब होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली एयरटेल को कंप्लेन कर सकते हो, वो आपकी कंप्लेन सॉल्व कर देंगे, वो भी एकदम फ्री में। दैट्स अ गुड थिंग। और मैं अगर अपने राउटर की बात करूँ, जैसे मैंने बताया ZTE वाला राउटर है,
एंड इसमें मुझे यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिला है। अगर आपको नहीं पता कि यूएसबी पोर्ट क्या काम करता है, क्या इसकी जरूरत होती है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। इस यूएसबी पोर्ट को यूज करके मैंने अपना एक पर्सनल क्लाउड स्टोरेज बनाई है, तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों जरूरी है। एंड अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये ड्यूल बैंड राउटर मिला है, इसमें 4 लैन पोर्ट है एंड इसकी रेंज अच्छी खासी मिल गई है। अब पता नहीं क्यों जब मुझे ये राउटर दिया एयरटेल वालों ने, जो मेरे घर आया था इंजीनियर, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप इसे दिन में 5 मिनट के लिए ऑफ कर देना, आपके लिए सही रहेगा। मैंने 2 महीने से इसे ऑफ नहीं किया, फिर भी सही चल रहा है, लेट्स सी कब तक चलता है। बट उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप दिन में एक बार ऑफ कर देना, ताकि अगर मेरा राउटर हीट भी होता है तो ये हीट को थोड़ा डिसिपेट कर देगा उन 5 मिनट में, और आपका राउटर लॉन्ग टर्म चल पड़ेगा। बट मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हाँ, एक चीज़ मैंने बाद में नोटिस करी, जब ये मेरे घर में लग गया तो मैं इसे देख रहा था तो इसमें कुछ निशान थे, तो मतलब ये नया राउटर नहीं था, उन्होंने मुझे किसी और का जब कनेक्शन कटा होगा उधर से राउटर निकाल के मुझे दे दिया। बट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से निशान है, चलता है, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है, अच्छा पिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे क्या ही दिक्कत आएगी। और सपोज़ ख़राब भी होता है तो जैसे मैंने बताया, मैं सीधा एयरटेल को कॉल करूँगा और वो मेरे लिए राउटर को रिप्लेस कर देंगे एकदम फ्री में। सो अगर आपको भी ऐसी टेंशन होती है कि कौन सा राउटर लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो टेंशन मत लो, जो भी एयरटेल राउटर दे रहा है वो लगवाओ और टेस्ट करो कि आपको 40 Mbps में 40 Mbps स्पीड देखने को मिल रही है, पिंग आपको 20 Ms देखने को मिल रही है। अगर ये सब कुछ है तो आपके लिए राउटर वो परफेक्ट है, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अब क्विकली मैं इस राउटर को इसकी जगह पे लगाया आता हूँ ताकि हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। सो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपना राउटर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है। इसके बाद आप जाना किसी भी ब्राउजर पे और यहाँ पे टाइप करना 192.168.1.1। ये है हमारे राउटर का आईपी एड्रेस। सो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड में एडमिन डाल के ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ये गलत जाता है तो आप एक बार अपने जो आपके घर में जो लगाने आया था उसे कॉल करके पूछ लेना, कई बार वो चेंज भी कर देते हैं इस पासवर्ड को, और आप भी इसे चेंज कर सकते हो, बट क्या ही ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम जाएंगे इंटरनेट पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आप चीज़ करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपने कोई भी गड़बड़ कर दी तो आपका इंटरनेट चलना बंद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसे मत छेड़ना, तभी आप सही रहोगे। अगर आप गलती से, कई बार होता है, एक बार मैंने भी कर दिया था, कुछ गलत कर दिया था, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, तो आप सिंपली कॉल कर सकते हो जिस बंदे ने आपके घर में इंटरनेट लगाया है, चाहे एयरटेल का हो चाहे कोई भी हो, आपको कोई भी वेंडर हो, आप उसे कॉल करोगे, वो आपका ये सही करके चला जाएगा या वो पीछे से ही सही कर देगा, उनका कंट्रोल होता है पूरा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इनके मैक एड्रेस दिख जाएंगे और यहाँ पे इनका IPv4 एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैन अगर कनेक्ट करोगे तो लैन दिख जाएंगे, यहाँ पे आकर आपका USB कनेक्टेड होगा इस आपके राउटर से तो यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। और अगर आपको जो स्टार्टिंग में पासवर्ड था वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट में जाकर यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड डालोगे, तो उसे आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के पेज में लोग 3 रीज़न की वजह से आते हैं। सबसे पहला कि लोगों को नॉलेज होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उन्हें कुछ चेंज करना है तो करने आते हैं, वो अभी ये पार्ट नहीं देख रहे होंगे। तो सेकंड लोगों कैटेगरी में आते हैं जो कि होते हैं क्यूरियस कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, मैं देख सकता हूँ। तो आपके लिए मैंने दिखा दिया कि आप यहाँ जाकर देख सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट कोई सेटिंग चेंज मत करना। अब तीसरे टाइप के लोग आते हैं जिन्हें यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर रहा होता है अपने राउटर का। जैसे मैंने यहाँ पे एयरटेल वाईफाई लिखा है, पहले एयरटेल वाईफाई नहीं था, ये कुछ और था, और पासवर्ड भी उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था तो मुझे यहाँ पे चेंज करना था, तो उस वजह से भी लोग इसमें आते हैं। बट उसके लिए आपको इसमें आने की अब ज़रूरत नहीं है, आपका वो सारा काम आपकी एयरटेल ऐप में हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन को साइड करके अपनी एयरटेल ऐप को ही देखते हैं। सो गाइस, एयरटेल की ये नॉर्मल ऐप है, आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर हर जगह देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब आपके पास अपना एयरटेल कनेक्शन होगा तो यहाँ पे मैनेज में जाओगे तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरा 40 Mbps तक कनेक्शन है, यहाँ से मैं इसे रिचार्ज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं जाऊँगा माय वाईफाई में, अगर आपको अपनी OTT ऐप्स को क्लेम करना है तो यहाँ से आप वो भी क्लेम कर सकते हो। इसी ऐप में आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, हमें अभी काम है अपने वाईफाई से तो हम चलते हैं माय वाईफाई में। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेगा राउटर की, थोड़ा टाइम लगेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि खुल गया, स्टेटस है ऑनलाइन, अभी 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हमने अभी देखा था कॉन्फ़िगरेशन में जाकर हमें डिवाइसेस देखने पड़ रहे थे, यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली दिखा देगा। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप वाईफाई एक्सेस को पॉज कर सकते हो सारे डिवाइसेस में या आप सिलेक्टेड डिवाइसेज में। सपोज मुझे रेडमी नोट 7 में नेट को अभी बंद करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ एंड यहाँ पे बैक चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक है वाईफाई टेस्ट कवरेज,
तो यहाँ पे अभी जहाँ पे बैठा हूँ वो मैं डेस्क यहाँ पे इसे मार्क किया है, तो यहाँ पे मेरी एक गुड कवरेज है। तो यहाँ पे आप अपने घर में हर स्पॉट को एक मार्क दे सकते हो और वहाँ पे ये बताता रहेगा कि वहाँ पे कवरेज कैसी है। मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा ये। एंड यहाँ पे आप इसमें गेस्ट वाईफाई को भी बना सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैंने आपको ये ऐप खुलवाई है वो ये है कि आपको पासवर्ड चेंज करना है और यूजर नेम चेंज करना है अपने वाईफाई का। तो यहाँ पे आप वाईफाई में जहाँ पे आपके राउटर का नाम है उसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे मैनेज वाईफाई एंड पासवर्ड में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आपके ऑप्शन। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा सिंपली, मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है एंड अपना दिमाग ख़राब कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली यहाँ पे इजी इंटरफेस है आपका, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो हर चीज़ जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे रिबूट वाईफाई का ऑप्शन भी, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे दूसरे कमरे में जाकर वहाँ पे प्लग निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से रिबूट कर सकता हूँ वाईफाई को। कोई दिक्कत आती है तो मैं डायग्नोस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे राउटर की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, सो यहाँ पे काफ़ी सही रहता है। देखो 15 मिनट हो चुके कनेक्ट हुए हुए से, ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मुझे ये बेस्ट बात लगी, जो मेरा इससे पहले वाला जो मेरा वाईफाई वाला था, जो मेरा लोकल वाईफाई था, तो उन्होंने मुझे ऐप नहीं दी थी, तो उससे मुझे दिक्कत आती थी, मैं रिचार्ज नहीं करा पाता था अपना, मुझे हर बार उन्हें बोलना पड़ता था। दूसरी चीज़, मेरे पास ये सारे फीचर्स नहीं थे। तो अब जब मेरे पास ऐप है तो मुझे काफ़ी सही लगता है कि मैं पूरा अपना वाईफाई इससे ही मैनेज कर सकता हूँ, मुझे बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस बस इतना ही था मेरा रिव्यू। अब लास्ट में जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि 40 Mbps का कनेक्शन क्या उनके लिए इनफ रहेगा, अब मैं नहीं बता सकता, मैं बस आपको अपना बता सकता हूँ कि मेरे पास 40 Mbps का कनेक्शन है और मैं इसमें 3 मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, एक 4K TV है और एक लैपटॉप है, और मैं लैपटॉप में YouTube में वीडियोस को भी अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे लोग एक बात नहीं समझते, जो आपकी सारी डिवाइसेज हैं वो एक साथ आप यूज़ नहीं करोगे। क्या पता मेरा एक मोबाइल कभी यूज़ हो रहा हो, कभी 2 मोबाइल यूज़ हो रहे हो, क्या पता कभी TV और लैपटॉप यूज़ हो रहा हो, कोई मोबाइल यूज़ नहीं हो रहा हो। तो ऐसे करके आपका 40 Mbps का कनेक्शन एक घर के लिए इनफ रहता है, जहाँ पे आप 4-5 बंदे रहते हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आराम से 4K TV भी चल पड़ेगा, लैपटॉप भी चल पड़ेगा, मोबाइल भी चल पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिवाइसेज हैं, तो आपके लिए 100 Mbps का कनेक्शन मोर देन इनफ रहेगा, आपको इससे ऊपर जाने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 99% लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो 1% लोग हैं जो बहुत ही हैवी यूजर्स हैं, जो रोज़ गेम डाउनलोड करते हैं अपने PC में, उनके लिए हो सकता है 300 Mbps का कनेक्शन चाहिए हो, बट 99% लोगों के लिए जैसे मैंने बताया 40 and 100 Mbps का कनेक्शन इज़ मोर देन इनफ, आप आराम से करा सकते हो, टेंशन मत लेना कोई। बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, होपफुली आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि आपको कैसा लगी वीडियो, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।